विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न हुई। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना से काम करें, जनपद में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने सड़कों पर गंदगी करने वालों को नोटिस देने के साथ ही लोगों को शौचालय के प्रयोग के लिए और जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने गौ संरक्षण केंद्र के निर्माण एवं निराश्रित पशु संरक्षण योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि यह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसे प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाए। इसके अतिरिक्त पशुओं की टैगिंग भी कराई जाए। मंत्री रमापति शास्त्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति वितरण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, खाद्यान्न वितरण, सड़क निर्माण, ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन, 1 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूलों में अभियान चलाया जाए तथा लोगों को नियमों के बारे में जानकारी दी जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, अपर जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के नए प्रभारी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी का जिलाधिकारी महोदय स्वागत करता हूं। सर, इसी स्वागत की कड़ी में मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको 1 करोड़ देके आपका स्वागत। मैं अपने एसपी महोदय से भी अनुरोध करूंगा। मैं अपने माननीय एसपी महोदय का भी उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्वागत करें। सर, आपके समक्ष एक प्रगति पुस्तिका है। सर, ये शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर है। सर, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। पहले एक बार आपका परिचय बताइए। सर, सर मैं डॉक्टर सुनील, सर मैं असिस्टेंट। नमस्कार सर, मैं अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी। नमस्कार सर, मैं अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त गोरखपुर। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर चतुर्भुज गुप्ता, एडीएम प्रशासन कोरखपुर। नमस्कार सर, मैं अनिल कुमार सिंह, जिलाधिकारी। नमस्कार सर, मैं राम सिंह। नमस्कार सर, मैं उपायुक्त नवदेश। तेजी से बोलिए, 1 मई काम कर लीजिए, बाकी मई बंद करके रखिएगा। अनिल कुमार सर, सीएनएस इलेक्ट्रिकल एम्स गोरखपुर। नमस्कार सर, यूनिवर्सिटी गोरखपुर। नमस्कार सर, डॉक्टर एस के तिवारी, सीएमओ गोरखपुर। नमस्कार सर, सहायक अभियंता यूपीआर गोरखपुर। Thank you.
प्रभारी मंत्री के नियुक्ति के बाद मैं आज पहली बार कल से आया हूँ। आने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से भी मिले, महानगर के सभी कार्यकर्ताओं से भी मिले, मंदिर में जाकर के दर्शन भी किया और अधिकारियों के साथ, कोई बड़े अधिकारियों के साथ कल भी बैठे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से मिले, अधिकारियों से मिले और बैठ करके कुछ विषयों पर चर्चा भी हमने किया है। कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, निर्माण काम समय से पूरा होना चाहिए और जनता के मनोअनुकूल सारी व्यवस्था कैसे पूरा हो जाए, इसलिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज पहली बैठक थी, हम सबको परिचय बैठक के रूप में देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा विषयों पर चर्चा भी हुई है। आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि आज अच्छे जगह हम हैं गोरखपुर में, जहां माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी स्वयं काम कर रहे हैं और हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो हम प्रेस वालों को भी और विभागीय अधिकारियों को भी और जनता जनार्दन से भी आग्रह करते हैं, हम सब मिल करके जब काम करेंगे तो ये काम आगे बढ़ जाएगा, यही मेरी कामना है।